बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दरवेश टीवी के मुअज़्ज़िज़ ख़ातिनो हज़रात, एक काफिरों की बस्ती थी जिसमें तमाम लोग एक ही बुत की इबादत करते थे, जो कि पत्थर का एक बहुत बड़ा बुत था जिसको उन्होंने खुद बनाया था, और पूरी बस्ती वाले उसके इर्द गिर्द बैठकर उसे पूजते, उस पर नजर चढ़ाते, उसकी मन्नतें मानते और उसके नाम पर लड़ने मरने और जान देने को तैयार रहते। यह मामला यूं ही चलता रहता, और जब कोई उन्हें इस काम से रोकने बस्ती में दाखिल होता और उनको इस काम से रोकता, तो ये तमाम बस्ती वाले उसकी जान के दर पे हो जाते। और उसे बस्ती से निकाल बाहर करते। इसी दौरान एक अल्लाह वाले जो अपने किसी सफर पर जा रहे थे, रास्ते में इस बस्ती को देखा तो अंदर चले आए कि सफर में इंसान की खाने पीने की जरूरियात होती हैं, और मुसाफिर की मेहमान नवाजी हर शख्स एजाज समझता है। चुनांचे जब अल्लाह वाले इसी सोच के साथ अंदर दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि लोग एक जगह पर इकट्ठे होकर पत्थर के इर्द गिर्द बैठे हैं, और वो पत्थर बहुत बड़ा बुत है, और वो लोग क्या बोल रहे हैं ये भी बुजुर्ग की समझ से बाहर था, क्योंकि उनकी जुबान बुजुर्ग की जुबान से जुदा थी और बुजुर्ग ने ये जुबान पहले कभी नहीं सुनी थी। लेकिन अल्लाह ताला ने बुजुर्ग पर करम किया और इनाम के तौर पर उन्हें उनकी जुबान समझ आने लगी, और बुजुर्ग उनसे उसी जुबान में बात करने लगे। फिर बुजुर्ग ने वहां बैठे हुए लोगों में से एक को बुलाया तो वो हैरानी से बुजुर्ग की तरफ देखने लगा, क्योंकि ऐसे हुलिये वाला शख्स आज तक बस्ती में ना आया था। चुनांचे वो करीब आया और बुजुर्ग से कहने लगा, तुम कौन हो और ये हमारी बस्ती में क्या कर रहे हो और क्या लेने आए हो? बुजुर्ग ने कहा, मैं तो एक आम आदमी हूं और मुसाफिर हूं, और मैं जो ये तुम्हें करता हुआ देख रहा हूं, ये क्या है और ये इंसानी शक्ल का पत्थर क्या चीज है जिसके इर्द गिर्द तुम लोग जमा हो? तो उसने कहा, हम सब लोग इबादत कर रहे हैं, और पत्थर दरअसल हमारा खुदा है जिसके इर्द गिर्द हर शख्स अपनी मुराद पूरी करने और उसे खुश करने के लिए यहां बैठा है, ताकि वो अपने मन की मुराद पाले। बुजुर्ग ने कहा, क्या तुम्हारी मुरादें इससे पूरी होती हैं, और क्या ये बुत तुम्हारे काम भी आता है? तो उस शख्स ने जवाब में कहा कि हाँ, देखते नहीं हो कि बस्ती में कितनी खुशहाली है और हर शख्स कितना खुश है? तो बुजुर्ग ने कहा, इसका मतलब है तुम्हें इस बात का पता ही नहीं कि हकीकी रब कौन है और ये सब नेमतें कौन अता करता है। बुजुर्ग ने सांस ली और आवाज ऊंची करते हुए बोले, ये नेमतें और खुशहाली अल्लाह की तरफ से है, और उसी अल्लाह की तरफ से है जो नजर नहीं आता और दिखाई भी नहीं देता, लेकिन वो हर शय से वाकिफ है और हर चीज को बखूबी जानता है। जवाब में वो शख्स कहने लगा, ये कैसे हो सकता है कि एक चीज मौजूद हो और नजर ना आए? जरूर तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा हमने आज तक नहीं सुना और ना ही हमारा कोई ख्याल है कि ऐसा मुमकिन है। बुजुर्ग ने कहा, ऐसा ही है जैसा मैं तुमको बता रहा हूं, अल्लाह एक है और वही है जिसने तमाम जहानों को पैदा किया, और उसने ऐसे ही कई जहान बनाए जिनका वो अकेला मालिक है, और यही वो बातें हैं जो कुरान भी बताता है। ये सुनकर वो शख्स कहने लगा, अब ये कुरान क्या है जिसका तुम नाम ले रहे हो? बुजुर्ग कहने लगे, ये हमारी मुकद्दस किताब है और अल्लाह का कलाम है,
जिसमें इस्लाम की हर चीज का जिक्र है और तमाम अहकामात उसमें मौजूद हैं। ये सुनकर वो शख्स कहने लगा कि देखो, अगर ये बातें करने आए हो तो दफा हो जाओ, वो सामने रास्ता है, हम तुम्हारी कोई एक बात भी हरगिज नहीं मानेंगे, बल्कि ठहरो, मैं तुम्हें अपने सरदार से मिलवाता हूं। ये कहकर उस आदमी ने बुजुर्ग का हाथ पकड़ा और खींच कर और घसीट कर बड़ी गुस्ताखी के साथ बुजुर्ग को साथ ले जाने लगा। सरदार के पास पहुंचकर उस शख्स ने कहा, देखिए सरदार, ये शख्स कहीं दूर से आया है और कहता है सारी नेमतें और खुशहाली जो इस बस्ती में मौजूद है अल्लाह की तरफ से है, और ये बुत इसमें कुछ काम कर रहे, और ये कहता है कि हमारे पास कुरान भी है जिसमें अहकामात हैं और सारी हिदायत और रहनुमाई की बातें हैं। सरदार, आप इसे बताएं कि हमारे पास भी तो सब कुछ है, ऐसी किताब है और सरदार हैं जो आप जैसे शफीक और हम पर मेहरबान हैं, ऐसे में ये शख्स हमसे क्या चाहता है और यहां क्या लेने आया है? ऐ सरदार, इससे जरूर पूछे कि इसके यहां आने का मकसद क्या है। ये सुनते ही सरदार ने गुस्से में और तहश में आकर बुजुर्ग को बुरा भला कहा और कहने लगा, तुम यहां हमें राह से हटाने वाले कौन होते हो? तुम जैसों का इलाज मुझे अच्छी तरह करना आता है और तुम्हारी खबर मैं अच्छे से लेता हूं, अभी देखना कि मैं तुम्हारा क्या हश्र करता हूं। ये कहते ही सरदार ने अपने गुलामों को बुलाया और कहने लगा, जल्दी आओ और इस शख्स को उठाकर वहां ले जाओ जहां हम मिस जैसों को सबक सिखाते हैं और उनका अच्छा इलाज करते हैं। यह कहकर उसने गुलामों को हुक्म दिया और वो बुजुर्ग को उठाकर निहायत बद तहजीबी के साथ बाहर ले जाने लगे और बुजुर्ग को बस्ती से बाहर ऐसी जगह ले गए जहां कुछ भी ना था। वीराने में बुजुर्ग को छोड़कर जाने लगे तो बुजुर्ग ने पूछा, मुझे इस वीराने में क्या सजा दे सकोगे तुम? उन्होंने हंसना शुरू किया और खूब हांसे और फिर कहने लगे, तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हें वीराने में छोड़कर जा रहे हैं? हरगिज नहीं, बल्कि यहां पर दुनिया के खतरनाक तरीन सांप मौजूद हैं जो आदमखोर हैं और सिर्फ इंसानों का गोश्त खाते हैं और इंसानों के अलावा किसी चीज को नहीं खाते। बुजुर्ग ने कहा, फिर ये सांप है कहां? उन्होंने कहा, इंसानों की खुशबू सूंघकर ही निकलते हैं, इसके अलावा हम उन्हें बांध कर रखते हैं और अब ये देखो कि हम उन्हें तुम पर खोलेंगे। ये कहकर उन्होंने बुजुर्ग पर तमाम सांप छोड़ दिए और खुद वहां से चले गए कि रात का वक्त है, सुबह बुजुर्ग की हड्डियां उठाने आएंगे। उधर बुजुर्ग ने देखा कि जैसे ही वो लोग निकले, बुजुर्ग के सामने एक बड़ा अजदहा जाहिर हुआ। बुजुर्ग को देखने लगा। बुजुर्ग ने कहना शुरू किया, ऐ अल्लाह, अगर तू इस पर राजी है तो मैं भी इस पर खुश हूं। और यह कहकर बुजुर्ग ने कलमा पढ़ना शुरू किया। सांप बोल नहीं सकता था, लेकिन बुजुर्ग की बरकत से अल्लाह ताला ने उसे कुव्वते गोयाई अता की और सांप जो अजदहों का सरदार था करीब आया और उसके सर पर ताज था और उसके मुंह में एक टहनी थी जिससे खुशबू आ रही थी और वो कहने लगा, आप हमसे मत डरें, हम तो आपको कुछ भी नहीं कह सकते, हम तो सिर्फ उन्हीं लोगों को खाते हैं जिनसे अल्लाह नाराज हो और जिन्हें खाने का हमें हुक्म दिया जाए, लिहाजा हम आपको कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि हम उनको कुछ नहीं कहते जो अल्लाह को राजी करने की कोशिश करते हैं, बल्कि हम तो सिर्फ उन्हीं को नुकसान पहुंचाते हैं जो नेकी के कामों में आगे नहीं बढ़ते और शैतान की राह पर गामजन होते हैं। लिहाजा ये सुनकर बुजुर्ग, जिन पर पहले ही उन सांपों का कोई खौफ नहीं था, पुरसुकून हो गए। इसी तरह रात गुजर गई। सुबह हुई तो उस काफिर बस्ती के लोग आए जिनको उनके सरदार ने भेजा था। देख कराओ के बुजुर्ग की हड्डियां भी बाकी हैं या नहीं। जब ये लोग वहां पहुंचे तो हैरान रह गए कि बुजुर्ग बिल्कुल सलामत थे। उनकी हैरत की इंतहा न रही। उन अजदहों का सरदार बुजुर्ग की हिफाजत कर रहा था।
और बुजुर्ग के नजदीक बैठकर उनके ऊपर से मक्खियां हटा रहा था। ये देखकर ये लोग सरदार की तरफ भागे कि देखो बुजुर्ग तो बिल्कुल सलामत हैं और सांप तो उनकी हिफाजत कर रहा है। सरदार ने यह देखा तो हैरान रह गया और अपने बुत को पुकारने लगा। ये देखकर अजदही को अल्लाह ताला ने कुव्वत गोयाई दी और वो सांप कहने लगा, तुमने इस बुजुर्ग और अल्लाह वाले की नाकदरी की है, हम कैसे खाते, ये तो हमारे मालिक हैं, हम तो इनके गुलाम हैं, हम इनको कोई नुकसान कैसे पहुंचा सकते हैं। सरदार ने यह सुना तो अपने ताकतवर गुलामों को हुक्म दिया कि इन सांपों को काट कर फेंक दो, ये हमारे टुकड़ों पर पलकर हमारे ही खिलाफ हो गए हैं और हमारी बात ही नहीं मान रहे। लेकिन जैसे ही गुलाम अंदर गए तो सांपों ने उन गुलामों पर हमला कर दिया और काट कर फेंक दिया। ये सरदार भागने लगा और बस्ती में पहुंचकर अपने बुत के पीछे छुप गया और उससे मदद मांगने लगा। लेकिन अजदहे ने सरदार को बुत समेत खा लिया और बाकी बस्ती वालों को भी साथ खाना शुरू कर दिया और देखते ही देखते सारी बस्ती खत्म हो गई और मुर्दा खाना बन गई। बुजुर्ग ये सब देखकर हैरत जदा थे। उन्होंने सांपों को मुखातिब करके कहा, तुमने आज बहुत सारे इंसानों को खाया है, अब तुम यहां से चले जाओ और जब तक तुम्हें किसी को खाने का हुक्म न दिया जाए तुम किसी इंसान को ना खाना। चुनांचे ये है गुरूर और तकब्बुर का अंजाम। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें गुरूर और तकब्बुर से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।